बस न्यूज में रह रहे थे, पानी बत्ती फिरी ना, बत्ती फिरी ना पानी फिरी। एक महीने में 3500 बिल आया हमारा। बच्चे हमारे घर में बैठे हैं कि लॉकडाउन की वो परेशानी है, कहाँ से बिल भरे 13000 का। अपने सरकार तो अपने घर पे बैठी हुई है, उसे क्या पता है कभी वोट डले या कुछ हुआ उसके बाद। एक दिन देखने आए सरकार यहाँ पे, नाली का पानी आता है ये तो कुछ भी नहीं है आगे, और इतनी बदबू आती है पीने लायक नहीं है पानी बिल्कुल भी। पैसों से दे तो बढ़िया है पानी हमारे लिए, हम पी तो ले कम से कम। और क्या बीमारी तो हो रही है, पैर पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, यही हो रहा है। और क्या हो रहा है, छोटे छोटे काले काले कीड़े आते हैं इसके अंदर, पानी इतना गंदा है। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं नंद नगरी का बी ब्लॉक है और यहां की आम जनता की समस्या है कि काफी समय से पानी खराब आ रहा है। तो चलिए इन लोगों से बातचीत करके पता करते हैं आखिरकार क्या है इनकी समस्या। पानी बहुत गंदा आ रहा है, कम से कम 2-3 साल हो गए पानी गंदा आता है। ऐसा पानी आता है इससे भी ज्यादा गंदा आता है, नाली का पानी आता है ये तो कुछ भी नहीं है आगे, और इतनी बदबू आती है पीने लायक नहीं है पानी बिल्कुल भी। पूरी सड़क खुदवा दी, कंप्लेंट कर करके पर कोई पता ना है, पता इस पानी में बीमार पड़ेंगे, सब बच्चे बीमार पड़े, छोटे बच्चे बड़े सब। कोरोना इतना चल रहा है, केजरीवाल कह के थे वो कर रहे हैं नहीं, फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री से क्या फायदा ऐसी बीमारी से, खरीद भी के पी रहे हैं वो तो कहते हैं हम फ्री दे रहे हैं, हमारी सरकार करके आ रही है पानी पीने लायक। पहले भी तो पानी अच्छा आता था, अब पानी तो 2-3 साल हो गए, 2.5 साल से आ रहा है पानी इतना गंदा, और कहाँ मोल का पानी पी रहे हैं समझो, समझो नहाते हैं मतलब कभी नहीं, मजबूरी में नहाना पड़ता है, नहा रहे क्या करें, अब ऐसा क्या हो, तो मजबूरी तो रही है, अब इतना कहाँ से रहेंगे हम लोग, पीने के लिए ले आते हैं वही बहुत है, अब खरीद कर कोई थोड़ा नहाएंगे, शरीर में आती है जब नहाओ जब। सरकार का तो ये मानना है कि जहाँ भी पानी सप्लाई किया जाए वहाँ पर पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, नहीं है बैठी हुई है ना, उसे क्या पता है कि जनता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उनके। हमने तो कई बार ऐसा हुआ है कि नाली का पानी का पी के दिखाओ इसके लिए, तो उल्टे और बोलते हैं हमारे से, गली कहती के साफ आधी गली कहती गंदी, एक ही पाइप लाइन है वो तो सब ऐसा ही पानी आता है, वैसे ही मर रहे हैं और क्या। हमारी सरकार सुनती ही नहीं कुछ भी, बिजली पानी फ्री कुछ भी नहीं, क्या आया भी नहीं, डबल आ जाता है। अब इनका 2700 पानी का बिल आया है, 2700 हमारे 3000 है बिल। हमने तो खूब गलेवान पकड़ लिए हैं, समझ लो हमारी चलती में तो गलेवान तक पकड़ लिया उनका, तब कह जाते हैं करेंगे, जोड़ में तुम आ जाती है और ये गंदा पानी पी रहे, जब न तुम सुनाई करती, हम तो खूब जाते हैं मैं नाली की कह के, क्या तो हमारे यहाँ यहाँ तक पानी भर जाता है, नाली का पानी के लिए हर एक चीज को जाते हैं बाजते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, कोई नहीं सुनता है, वोट मांगने आते हैं जब ही तक हाथ जोड़ जाते हैं, बाकी बाद में कोई मतलब नहीं है किसी का। राशन तो मिल रहा है, पानी तो नहीं मिल रहा है फ्री। 5 जुलाई 2021 का बिल है, देख सकते हैं कि जैसे कि ये लोग बता रहे हैं कि इतना गंदा पानी आता है, ऐसी छपाई होती है इनकी जो कुछ बाद में दिखाई नहीं देता, ये रखा हुआ इसके अंदर 0 बैलेंस आ रहा था, ये एकदम आया ये इतना बिल, एकदम इतना बढ़ा दिया 0 बैलेंस है, एक सिंटेक्स में कितना इतना पानी खर्च हो जाएगा एक भरते। बी ब्लॉक की हालत है या अदर ब्लॉक में भी ऐसी समस्या, और ब्लॉकों में भी है, लेकिन हमारे तो हम जानते हैं हमारी गली में जो हम कंप्लेंट करी उससे ज्यादा कोई करता भी नहीं होगा, इतनी हमने करी है कंप्लेंट, सब कुछ हुआ है, लेकिन आए उधर खोद जाते हैं, कभी इधर लाइन में खोद जाते हैं, खोद के फेंक जाते हैं, कुछ नहीं होता, बहुत गंदा आता है, हम तो मंगा के पीते हैं पानी फिल्टर का, बहुत गंदा आता है नाली जैसा एकदम कचड़ा पूरा, चला दो कभी बीच में साफ आता फिर काला आ जाता, फिर पता ही नहीं चलता। बच्चे हमारे घर में बैठे हैं कि लॉकडाउन की वो परेशानी है, बच्चे घर के अंदर बैठे, हम कहाँ से बिल भरे 13000 का। एक महीने में 3500 बिल आया हमारा, कहाँ से भरे, लॉकडाउन लगा वैसे कह रहे सब चीज छूट मिल रही है, पानी भी बिजली भी सब चीज की कुछ फ्री नहीं है, नाम नाम फ्री है बस। हमारे घर कोने पे खोद गिर गए थे, मैं गिरी थी के सामने, और इसमें 1500 रुपए पैर में लगाया अलग से, बता तुम करने आते हो काम करो, हम मना नहीं करते हैं, खोदने आए थे तब आपने बोला, मैंने कहा था पूछो कहा था, कह रहे हम कर देंगे, फिर करते ही नहीं है वो आके, फिर बताओ हम ठोक ठोक के अपने आपसे करे, मेरे पैर टूटा अलग से, 1000 रुपए लगे मेरे, इसमें गलत बात है ना ऐसे। फिर मेरे घर में देखो 4 दिन पानी नहीं आया, रोज बुला के लाओ प्लम्बर को, वो आके बड़ी मुश्किल से आया, मैंने पड़ोसी से पानी लेके अपना काम चलाया, छोटे छोटे बच्चे हैं, पेट में दर्द, सब बीमारियां हो रही हैं उनको, किससे हो रही है, पानी से ही हो रही है, और कैसे हो रही है। पानी नहीं आएगा तो हम वोट ही नहीं देंगे, फिर गालियां देती जब वोट देवे आवे, तभी इतनी बुरी गालियां, कुछ सब कुछ करवा लो, कुछ भी ना करते, ये खुद बोलती है माला डाल दो वो डाल दो, दुनिया की डालेंगे, दुनिया की वो करेंगे। सरकार तो अपने घर पे बैठी हुई है, उसे क्या पता है कभी वोट डले या कुछ हुआ उसके बाद। एक दिन देखने आए सरकार यहाँ पे, कोई भी एक बार घूमने आए, वोट पड़ेंगे तो बहतेरे आ जाएंगे पीछे लगे हुए, जब ये आएंगे तो ये चाहते पानी सही आना चाहिए हमारे।
ना देंगे सारा शरीर बेकार है जो समझो कुजरी होती है शरीर में। उनके तो बिल्ली हमसे पूछो आप यकीन नहीं करोगे, जाके आप चेक करो दुकान जरूर है उसमें हमारे यहाँ पर पानी के एक बूंद पानी नहीं है और उसका 2400 को बिलाया एक महीने का। अब बताओ कितनी गलत बात है। गवर्नमेंट है क्या बोले, वो बोलते भी हमें नहीं पता बिलाया पड़ना पड़ेगा मतलब बिल जब तक बिल नहीं आता अब तक कई 2 साल से नहीं आता और अब के पिछले अभी पीछे रीडिंग ले गए ना तो 2700 का बिल आया हुआ और जो कि एक्स्ट्रा 849 रुपए का हमारा पहले कब है एडवांस पैसे जमा थे वो कटकर आया 2700 का बिल। तो जैसा कि आपने देखा हमने इन लोगों से बात करी, इन लोगों का कहना है ये अभी की समस्या नहीं है बल्कि 1-1.5 साल से यही समस्या से जूझ रहे हैं, कई बार कंप्लेन भी कर चुके हैं लेकिन इनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती। इन लोगों का मानना है आखिरकार वोट तो ये भी देते हैं, वादे तो इन लोगों से भी किए हैं, तो ये पानी की समस्या दूर क्यों नहीं कही जा रही। अगर आपको खबर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन विजय के साथ ज्योति, झलको दिल्ली।